सीरीज जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद अपन बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना। सेकंड टॉपिक आता था आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कैसे लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये जो सदस्य दिए हुए हैं इसमें हीलियम आदर्श गैस के बराबर इलेक्ट्रॉन निकाल दो, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जिन्नोन। क्योंकि हर एक जो तत्व होता है उसकी प्रकृति होती है कि वो आदर्श गैस के बराबर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चाहता है। अब जितने आपने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, जितने बच गए इलेक्ट्रॉन, वही उसका बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। जैसे हीलियम का जैसा बनने के बाद इस एफ के पास में कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, हीलियम के पास में होते हैं दो, तो 9 में से 2 हटा दिए तो इलेक्ट्रॉन रह गए 7। तो इसीलिए इसके पास संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है वर्ग 17, उसके पास संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 7, 7 होगी। 2s2 2p5 लिख दूं इसको, इसमें वही 3s2 3p5 आ जाएगा। फिर नया कक्षक जुड़ता जाएगा, यहाँ 3d10, फिर 4d10, फिर 4f14, 5d10। कंप्लीट हो गया था। थर्ड जो टॉपिक मैं यहाँ लिख रही हूँ, किसी बच्चे को किसी भी टॉपिक में दिक्कत हो आप पूछ लेंगे। आकार, आकार का पता है वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो आकार बड़ा होता जाता है, जिसका कारण क्या था कि आकार वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर नाभिक का आकर्षण बल कम हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है बाहर वाला इलेक्ट्रॉन वो धीरे धीरे कंटिन्यूअस जब कक्षक बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर चला जाएगा, तो प्रभावी नाभ के आकर्षण बल में कमी आएगी तो आकार जो है वो बड़ा हो जाएगा। फोर्थ जो आपने पढ़ा था आयनन ऊर्जा, इसको अपन कहते हैं इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा कहलाती है आयनन ऊर्जा। ध्यान दो वर्ग 17 है ये, वर्ग 17 की आयनन ऊर्जा के मान सबसे ज्यादा होते हैं। पूरी आवर्त सारणी की बात करेंगे, इस वर्ग की आयनन ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी। क्या कारण है बेटा इनकी आयनन ऊर्जा की मान इतने उच्च होते हैं, क्योंकि ये जो वर्ग है, इधर ध्यान दें सभी, ये जो वर्ग है इसमें जब अपन इलेक्ट्रॉन, इस वर्ग में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखो कितनी है, 7 है, तो इस वर्ग की जो प्रवृत्ति है वो इलेक्ट्रॉन निकालने की नहीं होती है। आयनन ऊर्जा का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन हटाना, तो इस वर्ग की प्रवृत्ति होती है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की, क्योंकि अष्टक पूरा करने के लिए, अष्टक पूरा का मतलब है 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए इनको केवल एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसीलिए आसानी से ये सदस्य इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करेंगे। तो आयनन ऊर्जा का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। एफ की ये चीज ध्यान रखे, कभी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति नहीं होती है फ्लोराइड, समझ गए। आयनन ऊर्जा के बाद में अपन ने नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ा था वो था विद्युत ऋणात्मकता। तो बेटा विद्युत ऋणात्मकता सब जानते हैं, फ्लोराइड की विद्युत ऋणात्मकता पूरे वर्ग में पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद में वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे, विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ते हुए आकार के साथ में क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। उसके बाद आपने जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा था, नहीं आ रही आवाज, कौन से माइकल जैक्सन के पास। नेक्स्ट देखो इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा, ध्यान दो इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा, लब्धि ऊर्जा का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए, इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए जो ऊर्जा चाहिए। मैंने आपको पहले कह दिया बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या इस वर्ग के पास है 7 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन जोड़ना ये तो खुद ही चाहते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन जुड़ जाए, तो इसीलिए ध्यान दो जब भी किसी भी वर्ग में इलेक्ट्रॉन आसानी से जुड़ता है तो वो इलेक्ट्रॉन खुद के अंदर निहित ऊर्जा का त्याग कर देगा, समझ गए। खुद में जितनी ऊर्जा उसका त्याग करेगा, और जब ऊर्जा त्यागी जाती है तो बेटा ऊर्जा का मान ऋणात्मक हो जाता है। तो जो तुम बुक में लिखी हुई लाइन पढ़ते हो कि इस वर्ग के लिए इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा का मान बहुत ही उच्च ऋणात्मक होता है, उच्च ऋणात्मक का मतलब इलेक्ट्रॉन आसानी से जुड़ेगा और खुद में निहित ऊर्जा का त्याग करेगा अधिक से अधिक मात्रा में, समझ में आ गई बात। कल मैंने फिर बताया था कि बढ़ते हुए आकार के साथ में जब वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, क्योंकि जब आकार छोटा होगा तो नाभिक का आकर्षण बल, जैसे ये एफ है देखो आकार छोटा है इलेक्ट्रॉन लाए जोड़ने के लिए, तो उस समय नाभिक का आकर्षण बल प्रबल होगा तो खींच के इलेक्ट्रॉन को जोड़ लेगी, लेकिन आकार बड़ा होने के साथ साथ में आकर्षण बल कम होगा तो इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा का मान भी कम ऋणात्मक होता जाएगा। लेकिन इन दोनों में ध्यान दो, कुछ
तुम फिर पूछोगे कि इस वर्ग में सबसे ज्यादा अगर अपन बात करें तो इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा के मान किसके होने चाहिए, एफ के, कि फ्लोराइड की विद्युतात्मकता ज्यादा होती है इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले इसमें जुड़ेगा। लेकिन बेटा मैंने कल भी बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता Cl की क्लोरीन की तुलना में, F2 की तुलना में Cl2 की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है। इस Cl की विद्युत ऋणात्मकता F की तुलना में ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो आने वाला नया इलेक्ट्रॉन है वो F के पास जाने की बजाय Cl में जुड़ना ज्यादा पसंद करेगा। कारण क्यों? क्योंकि देखो, F आपने क्या पढ़ा, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार होता है बड़ा, तो आवर्त में बाएं से दाएं जाओगे, लेफ्ट से राइट मूव करोगे, आकार क्या होता जाएगा, छोटा। एफ का आकार बहुत छोटा है और 2p के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा, 5 इलेक्ट्रॉन है। अब इतने छोटे आकार में इतने सारे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो जो नया आने वाला इलेक्ट्रॉन है, जब ये खुद ही यहाँ इतनी सी जगह में नहीं रह पा रहे तो उस आने वाले इलेक्ट्रॉन को ये वापस प्रतिकर्षित करके क्या कर देंगे, भेज देंगे, इसको जुड़ने नहीं देंगे। तो इलेक्ट्रॉन आसानी से यहाँ क्या हुआ, जुड़ नहीं पाया। जबकि Cl का आकार F की तुलना में क्या है, बड़ा है, और बड़े आकार के अंदर प्रतिकर्षण क्या लगता है, कम लगता है, समझ गए? तो प्रतिकर्षण का मान कम होगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से जुड़ जाएगा। बाकी हमेशा ध्यान रखे, नियम यही कहता है कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ते हुए आकार के साथ में इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा का मान कम होता जाता है, क्योंकि आकार, जैसे आई के अंदर इलेक्ट्रॉन बहुत देरी से जुड़ेगा, पर ये अपवाद है, एफ और सीएल भी इलेक्ट्रॉन पहले एफ में नहीं, पहले इलेक्ट्रॉन सीएल में जुड़ेगा। समझ में आ गई बात? इस वर्ग में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा का मान सीएल का होता है, समझ गए? उसके बाद देखो, इलेक्ट्रॉन लब्धि पढ़ लिया, सातवां जो टॉपिक था वो था बंध वियोजन ऊर्जा। बंध वियोजन ऊर्जा का मतलब क्या होता है, ध्यान दें, किसी भी बंध को, वियोजन का मतलब तोड़ने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है उसे अपन बोलते हैं बंध वियोजन ऊर्जा। जैसे ध्यान दो, आपने वर्ग 15 में, और बात वही है, आपको मैंने सिखाया था कि अपन जितने भी गुण पढ़ते हैं आवर्त सारणी के, उसमें केवल दो गुण, आ और दा। आ का मतलब आकार, धा का मतलब धात्विक लक्षण, ये दो ही गुण होते हैं बेटा जो बढ़ते हैं, बाकी सभी गुण क्या होते हैं, कम होते हैं। तो ध्यान दो, सबसे पहले मैंने कह दिया बंध वियोजन ऊर्जा, जैसे ही आकार बड़ा होगा, बड़े परमाणु जो होते हैं उनके बीच का जो बंध होता है ना, वो बंध हो जाता है दुर्बल, तो वो बंध क्या होगा, आसानी से वियोजित हो जाएगा। तो इस हिसाब से देखें, वर्ग 15 में आपने पढ़ा है N2 की बंध वियोजन ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है। कारण तुम्हें पता है, क्योंकि नाइट्रोजन का आकार छोटा होता है तो नाभिक का आकर्षण बल भी ज्यादा होगा, तो बंध टूटने में दिक्कत आएगी। दूसरा बताओ, एन और एन के मध्य बंध कितने होते हैं, तीन बंध होते हैं, तो ट्रिपल बॉन्ड एक, और बाकी सब सदस्य में होता है सिंगल बॉन्ड। तो एक तो एक बंध तोड़ने के लिए ऊर्जा चाहिए, एक चाहिए तीन बंध तोड़ने के लिए, तो इसीलिए N2 की ऊर्जा सबसे ज्यादा हो गई बंध वियोजन ऊर्जा। O2 की बात करते हैं वर्ग 16 में, तो O2 की बंध वियोजन ऊर्जा अपने परिवार में सबसे ज्यादा होगी। कारण वही है कि ऑक्सीजन का छोटा आकार और ऑक्सीजन के मध्य दो बंध बनते हैं, O डबल बॉन्ड O, बाकी सब सदस्य में सिंगल बॉन्ड होता है। फिर आओ वर्ग 17, सभी में ध्यान दो, वर्ग 17 के सभी सदस्यों में एकल बंधी होता है। क्यों? क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अष्टक पूरा करने के लिए केवल एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो सब में एक ही बॉन्ड होगा, तो बॉन्ड वाली कहानी तो हो गई खत्म, ठीक है, बंद एक ही। लेकिन फिर भी ध्यान दो, आकार की बात करते हैं तो बात वही आती है कि एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बंध वियोजन ऊर्जा का मान बढ़ते हुए आकार के साथ में कम होता जाता है। क्योंकि बड़े आकार, जैसे आई की बात करूं तो आई, दोनों आई का आकार बड़ा है, तो दोनों आई के बीच में जो बंध बनेगा वो दुर्बल होगा। लेकिन इस हिसाब से देखें तो एफ की बंध वियोजन ऊर्जा सबसे ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन वही F2 की बंध वियोजन ऊर्जा Cl2 की तुलना में कम होती है। क्यों? क्योंकि देखो, दोनों F को तुमने बिल्कुल, F का आकार क्या है बेटा, छोटा है, बहुत छोटा आकार होने से दोनों बिल्कुल पास पास रहेंगे, तो पहले F के इलेक्ट्रॉन दूसरे F को क्या कर देंगे, प्रतिकर्षित कर देंगे। समझ में आई बात? छोटे आकार के कारण इनके इलेक्ट्रॉन पास में आ जाएंगे,
और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण लगेगा, प्रतिकर्षण लगते बीच का जो बंध बना हुआ है वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। आ गया समझ में? इस यही कारण है कि F2 जो है वो अस्थाई होता है। समझ गए? F2 के अस्थाई होने का कारण, F किस रूप में पाया जाता है, F पाया जाता है F माइनस, जिसको अपन कहते हैं फ्लोराइड। तो फ्लोराइड स्थाई होता है, ना कि फ्लोरीन। समझ गए? ये अपन ने कल इतने गुणधर्म पढ़ लिए थे। आ गया सबको समझ में? किसी बच्चे को इन आदर्श सारणी के गुणधर्मों में, और एक टॉपिक और पढ़ा था तुमने आठवां, ऑक्सीकरण अंग, जिसमें तुमने पढ़ा था कि F जो है उसका तो केवल होगा माइनस एक ऑक्सीकरण अंक, इसके अलावा कोई ऑक्सीकरण अंक नहीं होता F का। जैसे ऑक्सीजन है वो सेकंड हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, दूसरे नंबर पे स्थान आता है ऑक्सीजन का, पहले नंबर पे अधिक विद्युत ऋणी तत्व होता है F। तो F की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होने से और D कक्षकों की अनुपस्थिति होने से, क्योंकि D कक्षक भी नहीं होते कि अपने इलेक्ट्रॉनों का प्रसार कर सके, तो 2s2 2p5 यही होते हैं, 2p के बाद में 2d तो आता नहीं है, इसलिए इसके पास D कक्षक नहीं है। तो इस वजह से बेटा ये क्या करता है, ध्यान दो, ये केवल एक ही ऑक्सीकरण अंक दिखाता है, वो होता है -1। समझ गए? प्लस में दिखाई नहीं सकता, क्योंकि इससे अधिक विद्युत ऋणी कोई तत्व ही नहीं है जो इसके सामने आ जाए। जब ये प्लस में हो जाए तो -1 दिखाएगा। अन्य जो सदस्य है वो अपन ने कल बनाया था रिक्त डी कक्षक लगा के, इनका पेयरिंग तोड़ के +1 +3 +5 +7 विषम संख्या में 1 3 5 7। अन्य जो सदस्य है, अन्य कौन बच गए, CL BRI, ये एस्टाटीन जो होता है वो होता है रेडियो सक्रिय, इसलिए इसको तो अपन अध्ययन में ही नहीं लेंगे। ये जो तीन सदस्य हैं उनके ऑक्सीकरण अंक 1 3 5 7 भी होंगे। तो बेटा इसमें किसी को कोई दिक्कत है, अभी तक जो 8 टॉपिक पढ़े होंगे, कुछ पूछना है किसी को फटाफट आंसर दें, कुछ पूछना है, या फिर अब अपन नेक्स्ट टॉपिक देखें, वर्ग 17 अपने को पूरा करना है, पूछना है किसी को? हो गया कंप्लीट? विनोद कुमार, नो मैम, पूछना है कुछ? अब ध्यान दो, अब आज अपन कल एक चीज अपन ने छोड़, अपन हमेशा 4 रिएक्शन पढ़ते हैं, कौन कौन सी पढ़ते हैं बताओ। वर्ग 15 में तुमने क्या क्या पढ़ा था हाइड्रोजन के प्रति, 4 ही कोर्स में है अपने, अपन 4 रिएक्शन देखते हैं। एक तो हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता, ये इतना काम पूरा कॉपी में होना चाहिए, ये सुन ले। वर्ग 15 16 का जैसे काम किया है, 17 का ठीक वैसे ये जो गुणधर्म मैंने समझाए हैं अपनी भाषा में, किताब से नहीं अपनी भाषा में सारे गुण को कॉपी में लिखोगे। हाँ भाई, हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता, सेकेंड आपने देखा था ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता, थर्ड में लिख दू हैलोजन के प्रति क्रियाशीलता, और फोर्थ किसके प्रति क्रियाशीलता होती है, धातुओं के प्रति, यही तुमने वर्ग 15 में देखी थी। अब जिस बच्चे को ऑक्सीकरण अंक याद है वो तो आराम से हल कर देगा, हाइड्रोजन को क्या लिख लू मैं H, और हैलोजन वर्ग जैसे तुम A मानते थे, वर्ग 15 के सभी सदस्यों को A मान लिया, 16 को A मान, तो यहाँ A मानने की जरूरत नहीं है, यहाँ तो इसका खुद का एक प्रतीक होता है X, हैलाइड को अपन क्या बोलते हैं, X बोलते हैं। तो देखो हैलोजन X का बताओ, हाइड्रोजन बहुत ही गरीब है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, इसके सामने बताओ +1 3 5 7 में से ऑक्सीकरण अंक होगा कि -1 होगा, तुम कहोगे -1, क्योंकि 1 3 5 7 प्लस में तब दिखाएगा जब इनसे कोई प्रबल विद्युत ऋणी तत्व यहाँ लगा हुआ। जैसे अभी ऑक्सीजन लग जाती तो CL BRI को दिखाना पड़ता है इन तीनों में से कोई सा, F खुद आ जाता जब नहीं दिखाती, जब ऑक्सीजन प्लस में हो जाती, ठीक है। तो इसका तो लिख लिया मैंने +1, और हैलाइड के लिख लिए -1, वज्र गुणा करवाया, HX प्रकार के क्या बन गए बेटा, हैलाइड बन गए। जैसे एग्जांपल के लिए HF, HCl, HBr, HI। बताओ दो गुणधर्म है जो याद होने चाहिए, चाहे वो वर्ग 15 में हो, 16 में हो, 17 में, क्या क्या गुण पढ़ते हैं अपन इन हैलाइड के, हाइड्रोजन हैलाइड के अपन गुण पढ़ते हैं। पहला आता है अम्लीय गुण, तो बताओ अम्लीय गुण वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे, मैंने कहा प्रबल अम्ल है HI, क्यों है प्रबल अम्ल, क्योंकि HX का जो आकार है, ध्यान दो I का आकार है बड़ा, तो बड़ा आकार, हाइड्रोजन का आकार तो बढ़ नहीं रहा, छोटा है, तो बड़ा आकार होते ही दोनों के बीच का बंध क्या हो जाएगा, दुर्बल, और दुर्बल बंध होते ही वो आसानी से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। F का बंध देखो
फ्लोराइड की विद्युतिनात्मकता इतनी प्रबल है बेटा कि हाइड्रोजन को अपनी ओर खींच के रखेगा जकड़ के, उस स्थिति में हाइड्रोजन मुक्ति नहीं होगी, तो कहां से वो अपन कह देंगे कि प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल वो होता है जो आसानी से किसका त्याग करता है, एच प्लस का, समझ गए। तो एच आई एक प्रबल अम्ल पूछ ले क्यों होता है, तो तुम कहोगे क्योंकि एच आई में आई का आकार बड़ा होने के कारण इनके मध्य का जो बंध है वो दुर्बल बंध है, इसीलिए बंध आसानी से टूटेगा, एच प्लस आसानी से त्यागा जाएगा, समझ गए। दूसरा जो गुण आता है वो आता है थर्मल स्टेबिलिटी, या जिसे अपन बोलते हैं तापीय स्थायित्व। तापीय स्थायित्व किसको कहते हैं बेटा, यदि अपन इनको गर्म करें तो गर्म करने पर बताओ सर्वाधिक स्थायी कौन होगा, तुम कहोगे एच है, कारण क्योंकि इन दोनों का बंध क्या है, प्रबल है, तो सर्वाधिक स्थायी है एच एफ और सबसे कम स्थायी है एच आई, समझ गए। स्थायित्व की बात करेंगे, एच एफ सबसे ज्यादा स्थायी है क्योंकि इनके मध्य का बंध प्रबल होने से, वो अपन इसको गर्म करेंगे तो इसका बंध आसानी से नहीं टूटेगा। ये कंप्लीट हो गया हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता। सेकंड देखो ऑक्सीजन के प्रति, तो ध्यान दो ऑक्सीजन के प्रति अपन अलग अलग पढ़ेंगे। सबसे पहले फर्स्ट आता है, यदि मैं एफ की क्रिया करवाऊं तो ऑक्सीजन से लिख दिया मैंने ओ, यहाँ लिख दिया मैंने एफ, तो माइनस वन तो होगा इसका, और ऑक्सीजन बताओ इसके सामने, ऑक्सीजन का हमेशा माइनस दो पड़ा है तुमने, पर जब ये माइनस आ गया ना तो ये किसमें हो जाएगी, प्लस में, तो इसका तुम लिखोगे प्लस दो। और ये आपने पढ़ा हुआ है, आपने पढ़ा था ओ एफ टू बना था, ओ एफ टू, ठीक है, ओ एफ टू में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण प्लस दो होता है, और प्लस दो होने का कारण है क्योंकि एफ का ज्यादा होती है विद्युतनात्मकता, तो इसका माइनस एक होगा। अब इसका माइनस एक होगा, एक्स मान के हल करोगे तो अपने आप ही प्लस दो आ जाएगा, समझ गए। तो ऑक्सीजन के प्रति जब क्रिया करवाएंगे तो क्लोरीन तो बनाएगा ओ एफ टू, जबकि अन्य सदस्य, अब आ जाओ अन्य सदस्यों पे, अन्य सदस्य की बात करते हैं, लिख दिया ऑक्सीजन, अन्य को मैं एक्स लिख लेती हूँ, इस एक्स में ध्यान दो एफ नहीं है, अब एफ तो बन चुका है, ओ एफ टू बनाएगा केवल अन्य, और एक और बनता है ओ टू एफ टू जो कि अस्थाई होता है, ओ टू एफ टू भी बनता है, ओ एफ टू भी बनता है। तो ध्यान दो मैंने ले लिया, अब ऑक्सीजन हो गई माइनस दो, क्योंकि अन्य जो सदस्य हैं उनकी विद्युतनात्मकता ऑक्सीजन से ज्यादा नहीं है, सी एल बी आर आई वो प्लस एक भी दिखा सकती है, तीन भी दिखा सकती है, पांच भी दिखा सकती है, और सात भी दिखाएगी, क्योंकि सबके पास रिक्त डी कक्षक है। तो सबसे पहले अपन बात करें, वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवाते जाओ और बना देंगे, यहाँ से ओ, यहाँ से बन गया एच टू, जैसे मैं उदाहरण ले लू एक्स की जगह, चलो तुमने लिख लिया सी एल, समझ गए। तो ध्यान दो क्या क्या बनेगा, सी एल टू, इससे रिएक्शन करवाई सी एल हो गए दो, ओ प्रथम सदस्य, ठीक है, फिर रिएक्शन करवाई सी एल टू ओ थ्री, सी एल टू ओ फाइव, सी एल टू ओ सेवन, इस प्रकार से सी एल ले लेंगे, फिर बी आर ले लेंगे, फिर आई ले लेंगे, ये बनेंगे सी एल बी आर और आई के क्या बनेंगे बेटा, ऑक्साइड, ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाते हैं ऑक्साइड बनते हैं, समझ में आ गई। हाइड्रोजन से हाइड्राइड, इससे हैलोजन से हैलाइड बनेंगे, और धातु से तुम्हें पता ही है धातु से द्विअंगी यौगिक बनते हैं, मतलब धातुएं जो है वो माइनस वाला ऑक्सीकरण काम आ जाता है, धातुएं जुड़ जाती है। तीसरा देखो हैलोजन, अब तुम कहोगे मैडम अपन हैलोजन ही पढ़ रहे हैं और हैलोजन की रिएक्शन किससे करवानी है, हैलोजन से ही करवानी है, समझ गए। एक्स मान लिया हैलोजन जिससे तुम रिएक्शन, और एक्स ही मान लिया वर्ग 17 के तत्व, तो वर्ग 17 खुद हैलोजन है, हैलोजन की रिएक्शन हैलोजन से ही हो रही है। 11th क्लास में तुम्हें याद दिलाऊं, आपने एक एग्जांपल ही पढ़ के आए हो, CLF3 पढ़ा था, देखो इसकी संरचना पढ़ी तुमने, टी आकृति, ठीक है, CL क्या है, CL भी हैलोजन ही है, F भी क्या है, हैलोजन। तो जब हैलोजन की क्रिया अन्य हैलोजन के सदस्य से हो तो उसको अपन बोलते हैं अंतर हैलोजन यौगिक, इंटर हैलोजन कंपाउंड, समझ गए। एक हैलाइड की जब दूसरे हैलाइड से सेम प्रकार से नहीं, जैसे एफ की क्रिया एफ से नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो उसे अपन कहते हैं अंतर हैलोजन, मतलब अलग अलग हैलाइड से होनी चाहिए दोनों की, अंतर हैलोजन कहते हैं। तो अलग अलग के लिए मैं इसको डैश लगा लेती हूँ पहचान के लिए, समझ गए। ध्यान दो जिसके तुमने डैश लगाया है, हमेशा ध्यान रखना उस डैश वाले का आकार इस एक्स की तुलना में क्या होगा बेटा, छोटा होगा,
जैसे इस CLF3 को देख लो उदाहरण के लिए, ये रहा एक्स और ये रहा एक्स डैश, इस एफ का आकार क्या है सीएल की तुलना में छोटा है, हमेशा एक्स डैश का आकार एक्स की तुलना में छोटा होगा, ये एक्स आपको बड़ा लेना है, ठीक है समझ गए, इस एक एक्स को जिसको तुम लोगे वो आकार के अंदर बड़ा होना चाहिए। उसके बाद देखो नेक्स्ट ध्यान बेटा, एक साढ़े सात का टाइम दिया हुआ है क्लास का, तो आप 7:30 बजे का ध्यान रखा करो, कई बच्चे 8-8 बजे तक आकर के जुड़ते हैं, फिर आधे से ज्यादा तो पढ़ा दिया जाता है। अब देखो ध्यान दो, इसका आकार छोटा है, ऑक्सीकरण अंक फिक्स कर दो -1, क्योंकि छोटे आकार मतलब एफ ले लिया सपोज करो मैंने, तो इसका ऑक्सीकरण अंक -1 होगा। यदि एफ नहीं लेते, मान लो तुमने कुछ और लिया, जैसे मैंने यहाँ तो ले लिया आई और इसकी जगह ले लिया सीएल, जब भी ध्यान रखो इसकी तुलना में इसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, तो इसीलिए इसका तो -1 होगा, इसका +1, 3, 5 और 7 में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। छोटे आकार वाले का ऑक्सीकरण अंक आपको माइनस में लेना है, क्योंकि उसकी विद्युत ऋणात्मकता बड़े आकार वाले की तुलना में ज्यादा होगी। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते जाओ और बना दो, इसका लिया मैंने +1, 3, 5 और 7, बताओ किस किस प्रकार के अंतर हैलोजन यौगिक बनेंगे, देखो किस किस प्रकार के बने, एक्स एक्स डैश कॉमा मल्टीप्लाई करवाया एक्स एक्स डैश 3, एक्स एक्स डैश 5 और एक्स एक्स डैश 7 प्रकार के अंतर हैलोजन यौगिकों का निर्माण होता है, समझ गए। ये हो गया बेटा हैलोजन के प्रति प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है कि अंतर हैलोजन का जो बंध है एक्स एक्स डैश का बंध, एक उदाहरण भी दूंगी, एक्स टू की तुलना में क्या होगा बताओ, प्रबल होगा कि दुर्बल होगा। जैसे मैंने एक उदाहरण ले लिया कि Cl2 की तुलना, ये प्रश्न है तुम्हारे पीछे बुक में, ICl Cl2 की तुलना में अत्यधिक क्रियाशील है, कारण लिखिए क्यों, समझो ध्यान से, ICl क्या है अंतर हैलोजन है, जबकि Cl2 क्या है हैलोजन है, ये बंध है देखो ICl XXX बेटा, ICl में एक का आकार बड़ा है और एक का आकार छोटा है, जबकि Cl में दोनों परमाणुओं का आकार क्या है बराबर का है, जब समान आकार के परमाणु बंध बनाते हैं तो बंध हमेशा प्रबल होगा, क्योंकि दोनों ने समान योगदान से बंध को खींच रखा है, एक बड़े आकार का होगा एक छोटे आकार का, तो बंध एक तरफ ज्यादा झुक जाएगा, उस स्थिति में बंध क्या हो जाएगा दुर्बल हो जाएगा, तो आप क्या कहोगे अंतर हैलोजन का बंध हैलोजन की तुलना में दुर्बल होता है, और जो बंध कमजोर होता है दुर्बल होता है वो आसानी से क्या हो जाता है टूट जाता है, टूटते ही उसकी क्रियाशीलता क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी, क्योंकि टूटते ही अलग अलग हो जाएंगे, अलग अलग होते ही क्रिया करने लगेंगे, तो यही कारण है कि ICl की क्रियाशीलता Cl2 की तुलना में क्या होती है अधिक होती है, क्योंकि ICl में अंतर हैलोजन बंध है और क्लोरीन के अंदर हैलोजन बंध है, समझ गए, X2 XX बंध है इसमें और उसके अंदर है X डैश बंध जो कि दुर्बल बंध है, समझ गए सारी बात। ये हो गया हैलोजन की प्रतिक्रियाशीलता कंप्लीट। धातुओं के प्रति देखो, तो बेटा धातुओं में एक चीज आप ध्यान देंगे, क्या कोई भी धातु मान लो चाहे वर्ग एक की और वर्ग, यदि जिस बच्चे को ऑक्सीकरण अंक और आवेश याद है उसको इन अभिक्रियाओं में एक में भी दिक्कत नहीं आएगी, समझ गई है मेरी गारंटी, बिल्कुल सरल है, केमिस्ट्री में कोई चीज रटने की नहीं है। अगर आपको ऑक्सीकरण अंक याद है, धातु के लिए मैंने एम लिख दिया, हैलाइड के लिए मैंने एक्स लिख दिया, बताओ धातुओं पे क्या चार्ज होता है, धनायन हमेशा पॉजिटिव होगा तो एक्स हमेशा क्या होगा नेगेटिव, तो माइनस का एक प्लस एक माइनस आता है हमेशा वज्र गुणा जब भी करवाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, -1 फिक्स कर दिया। यदि वर्ग एक की धातु में लेते हैं लीना की रबड़ी वाली लाइन, जब तो बेटा ऑक्सीकरण अंक आएगा +1, यदि वर्ग दो की लेते हो बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम की तो आएगा +2, तो अब मल्टीप्लीकेशन करवाया तो वर्ग एक में तो बनेंगे MX और वर्ग दो में बनेंगे MX2। जैसे उदाहरण मान लो मैंने M बराबर वर्ग एक के लिए कोई भी सदस्य लिख लो, जैसे सोडियम लिख लिया और यहाँ लिख लो Cl, अभिक्रिया करवाओगे NaCl और इससे पहले NaF फिर Cl फिर Br और फिर I, ये बनेंगे। ध्यान रखना है एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक हैलाइडों का की आयनिक प्रकृति,
इनकी प्रकृति कैसी होगी? आयनिक होगी। इनमें बनने वाला बंध कैसा होगा? आयनिक, क्योंकि धातु में धनावेश होती है, प्रबल धनायन होता है, और हैलाइड पे प्रबल क्या होता है? ऋणायन। तो एक ऋणायन और एक धनायन स्पीसीज के मध्य बनने वाला बंध आयनिक होता है। तो बेटा जब अपन वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो बढ़ते हुए आकार के साथ में आयनिक गुण क्या होते जाएंगे? कम, क्योंकि इसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या है? ज्यादा। तो इसको अपनी ओर बहुत तीव्रता से खींचेगा, जितना ज्यादा खींचेगा ऋणावेश और धनावेश का मान, आंशिक ऋणावेश और आंशिक धनावेश अपन लिखते हैं इस तरीके से, उसका मान उतना ही क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। बढ़ते हुए आकार के साथ में विद्युत ऋणात्मकता भी कम हो जाएगी, उस स्थिति के अंदर क्या करेगा? इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगा। समझ गए? किसी को कोई दिक्कत है? ये बेटा अपने कंप्लीट हो चुकी है चारों अभिक्रियाएं। धातुओं के प्रति कुछ पूछना है चारों में से किसी भी बच्चे को, किसी भी स्टूडेंट को पूछना है क्या बेटा? कुछ बोलो फटाफट। कोई दिक्कत है चारों अभिक्रियाओं में किसी में भी? ये तुम्हें लिखते हैं जो दिखता है क्या फोन में? नहीं दिखता ना कुछ भी? ठीक है, मैंने भी देखा था फोन में तो कुछ दिखाई देता नहीं, फिर क्या समझ में आता है जब पढ़ते हो? बस वही सुनते हो ना?